क्या स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबों में खामियां हैं? क्या एनसीईआरटी की किताबें गलत तथ्यों से भरी है? शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने जब से शिक्षा में सुधार के संकेत दिए हैं तब से किताबों में सुधार की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। शिक्षा बचाओ आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक दीनानाथ बत्रा ने शिक्षा मंत्री को किताबों में सुधार की जरूरत पर कई खत लिखे हैं। उनसे बात की आज तक संवाददाता बालकृष्ण ने। दीनानाथ बत्रा की लिखी 9 किताबें गुजरात में सिलेबस में शामिल हो चुकी। शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति के अध्यक्ष और संस्थापक दीनानाथ बत्रा अपने तरीके से शिक्षा के सुधार के लिए लंबे समय से काम करते रहे हैं, लेकिन इस बार वो एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। हमारे साथ हैं दीनानाथ बत्रा साहब। बत्रा साहब, सबसे पहले ये बताइए, क्या आपको लगता है कि अभी जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ाई जा रही हैं स्कूलों में, उसमें बहुत कमियाँ हैं, खामियाँ हैं जिनको सुधारने की ज़रूरत है? जो भी पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं वो बच्चों को दिशाविहीन, लक्ष्यविहीन बनाते हैं, उनमें जीवन मूल्य नहीं है, और साथ में जो भी तथ्य हैं उनको तोड़ और मरोड़ कर दिखाया गया है। और इस प्रकार से हम इतिहास की पुस्तकों में यदि देखें तो इतिहास की पुस्तकें जो हैं वो जो तथ्य हैं उन तथ्यों के साथ उनका कोई भी वास्ता नहीं है, और फिर वे पुस्तकें लिखते हुए एक दृष्टिकोण उन्होंने अपने सामने रखा है कि जो हमारे ऊपर आक्रमण करने वाले थे, आक्रमक थे, उनको उनकी तो महिमा मंडित करनी है, और जिन्होंने यहाँ पर इस देश में उनके साथ संघर्ष किया, 1000 वर्ष का हमारा संघर्ष का इतिहास है, उस संघर्ष के इतिहास को किसी ने किताबों के अंदर स्थान नहीं दिया। राणा प्रताप ने संघर्ष किया, केवल 2 लाइनें। इसी प्रकार से राणा सांगा थे, 80 घाव लगे थे मन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में, कोई भी इस प्रकार से उनके बारे में चर्चा नहीं है। लेकिन बत्रा साहब, ये सवाल ये उठता है कि जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं स्कूलों में उसको एनसीईआरटी में जो प्रतिष्ठित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उन लोगों के पैनल ने तैयार किया है, दूसरी टेक्स्ट बुक जो पढ़ाई जाती हैं उसके लिए भी बहुत वाइडर कंसल्टेशंस होती है, कई लोगों से सलाह मशवरा करके होता है, क्या आपको लगता है कि किसी साजिश के तहत गलत चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, इस तरह की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं? ऐसा है कि ये सब किताबें एक विचारधारा का ही परिणाम है, और इसलिए ये बात ठीक है कि एनसीईआरटी में और अन्य बोर्ड्स में पुस्तकें लिखने की एक प्रक्रिया है, और वहाँ वह सूची भी है उन लोगों की जो पुस्तक लिखते हैं या पुस्तकों की समीक्षा भी करते हैं, परंतु वो सब लोग भी उसी ही प्रकार की विचारधारा के हैं जिस विचारधारा का वहाँ पर एनसीईआरटी का या किसी भी बोर्ड का चेयरमैन होता है। मेरे हिसाब से जो मैंने अध्ययन किया है, मार्स और मकाले के मानस पुत्रों ने जब नूरहरसन शिक्षा मंत्री थे तब से कब्जा किया, और बड़े बड़े संस्थानों में इस प्रकार की विचारधारा को पुस्तकों के माध्यम से या कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने प्रवेश दिया।